वेलकम फ्रेंड, आज मैं आ गया आपके लिए एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेकर। आज मैं आपको दिखाऊंगा आप किसी भी रिमोट से, मतलब टीवी की, डीवीडी की, किसी भी रिमोट से आप होम अप्लायंस को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब ऑन या ऑफ कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो मैं ऑलरेडी एक सर्किट बना के रखा हूँ। मैं इसी सेम सर्किट को बना के दिखाऊंगा, सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट पीसीबी। नेक्स्ट पीसीबी ऑफर यू ए पीसीबी प्रोटोटाइप विद $0, व्हिच मीन यू कुड गेट ए पीसीबी प्रोटोटाइप फॉर फ्री। दे आर डूइंग दैट जस्ट टू लेट यू हैव योर फर्स्ट ट्रायल ऑर्डर टू ट्राई देयर हाई क्वालिटी पीसीबी एंड वंडरफुल सर्विस। नेक्स्ट पीसीबी इज अ रियल मैन्युफैक्चरर विथ मोर देन 15 ईयर एक्सपीरियंस इन पीसीबी एंड पीसीबी असेंबली सर्विस। Since Next PCB promises the PCB safety with ISO 14001, ISO 9001 and UL certification, so that the PCB quality will be your last thing to worry about. Besides, their services cover those process, sourcing component, PCB manufacturing, PCB assembly, testing and finally shipment. Sign up to get your first trial order on nextpcb.com. Check the link below in the description. After registration, you will get $5 for free. और एक बात, ये वीडियो दो पार्ट में होगा, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन में पीसीबी सर्किट को बना के दिखाऊंगा एंड पार्ट टू में इसका कंप्लीट कनेक्शन करके दिखाऊंगा। पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं एंड मैं यहाँ पे एक ब्राउजर पर easyedia.com साइट को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सर्किट को डिजाइन किया। पहले मेरे अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। एंड ये है आज का प्रोजेक्ट का मेन सर्किट एंड इसी सर्किट का पीसीबी लेआउट। इसका मैं ऑलरेडी करके रखा था क्योंकि ये सर्किट डिजाइन करने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे जो मैंने सर्किट बनाया है, इस सर्किट से आप 4 अप्लायंस को ऑन ऑफ कर सकते हो। आप चाहो तो इसे इंक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन आज मैं यहाँ पे 4 चैनल सर्किट बना के दिखा रहा हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे 4 रिले का यूज किया गया है हाई वोल्टेज को ऑन ऑफ करने के लिए। तो चलिए आप सर्किट को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 प्रिंट आउट करना होगा, एक है टॉप लेयर एंड दूसरा है टॉप सिल्क लेयर। टॉप लेयर में आपका मेन पीसीबी लेआउट रहेगा एंड टॉप सिल्क लेयर में कंपोनेंट का पोजीशन एंड सिंबल रहेगा। आप चाहो तो सिर्फ एक को भी प्रिंट आउट कर सकते हो, जो है टॉप लेयर जिसमें पीसीबी लेआउट रहेगा, आप सिर्फ उसे प्रिंट कर सकते हो और टॉप सिल्क लेयर को आप देख के भी कंपोनेंट को सोल्डर कर सकते हो। मैंने दोनों फाइल एक्सपोर्ट कर लिया है, उसके बाद इसे प्रिंट आउट करना होगा। ये है मेन पीसीबी, इसको मैं 2 कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि पेज यहाँ पे ब्लैंक पड़ा है, इसीलिए 2 कॉपी कर रहा हूँ। आप चाहो तो एक भी कर सकते हो। एंड ये है टॉप सिल्क लेयर, आप चाहो तो इसको प्रिंट ना करके देखकर भी सर्किट बना सकते हो। मैं यहाँ पे गामिंग पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ सिल्क लेयर को प्रिंट करने के लिए। सेम तरीके से पीसीबी सर्किट को भी प्रिंट करना होगा, लेकिन मैं इसको बाहर से किया हूँ क्योंकि पीसीबी लेआउट को फोटो पेपर या टोनर ट्रांसफर पेपर में लेजर प्रिंटर से प्रिंट करना होगा। मेरे पास तो टोनर ट्रांसफर पेपर है लेकिन लेजर प्रिंटर नहीं है। ये जो प्रिंटर है यह इंजेक्ट प्रिंटर। इस प्रिंटर से प्रिंट करने से ये जो इंक है ये बोर्ड पे ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसे लेजर प्रिंटर से ही करना होगा। अगर आपके पास लेजर प्रिंटर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बाहर जाके किसी भी शॉप पे जहाँ पे प्रिंट वगैरह होता है वहाँ पे जाके बोलिए मेरे को लेजर प्रिंटर से प्रिंट करना है, तब वो लेजर प्रिंटर से प्रिंट कर देगा। पीसीबी लेआउट को बॉटम साइड, मतलब जिस साइड पे कॉपर प्लेट रहता है, उस साइड पे इंक ट्रांसफर करना होगा एंड दूसरी साइड पे टॉप सिल्क लेयर को चिपकाना होगा। मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, आप देखिए आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं इसे काट लेता हूँ, उसके बाद किसी भी एक को ले लेता हूँ इंक ट्रांसफर करने के लिए। एंड यहाँ पे जो पीसीबी लेआउट का साइज है उसी सेम साइज का कॉपर बोर्ड काट लेता हूँ। मेरे पास 2 क्वालिटी का पीसीबी बोर्ड है, एक है हाई क्वालिटी, ये बोर्ड थोड़ा सा मजबूत होता है और इसका लाइफ भी ज़्यादा होता है। और दूसरा जो पीसीबी बोर्ड है वो नॉर्मल क्वालिटी का होता है, ये बोर्ड भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये उतना भी खराब नहीं है। आज इसी बोर्ड पे सर्किट को बनाएंगे।
मैं यहाँ पे मिनी रोटरी टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ पीसीबी को काटने के लिए। आप चाहो तो हैंड सॉ यूज़ करके भी काट सकते हो। बोर्ड को काटने के बाद अब बोर्ड को क्लीन कर लीजिए। मेरे पास जो बोर्ड है ये एकदम न्यू बोर्ड है, इसीलिए मैं इसे क्लीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप क्लीन करके इस्तेमाल करोगे तो ये सर्किट अच्छे से बनेगा। इसके बाद बोर्ड को पेपर में अच्छे से सेट करना होगा। एंड सेट करने के बाद यहाँ पे हीट देना पड़ेगा। हीट देने से पेपर पे जो इंक था वो पीसीबी बोर्ड पर आ जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है टोनर ट्रांसफर। तो चलिए अब टोनर को ट्रांसफर कर लेते हैं। अब देख सकते हो मैं यहाँ पे घर का आयरन इस्तेमाल कर रहा हूँ हीट देने के लिए। पंद्रह से बीस मिनट तक इसको हीट देना होगा। तो चलिए कुछ टाइम बाद मिलते हैं। यहाँ पे 20 मिनट हीट करने के बाद मैं आ गया हूँ। अब ये बहुत गर्म है, इसे अब ठंडा करना होगा। ठंडा करने के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल वाटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको वाटर पे ठंडा करने से दो काम होगा, एक तो ये ठंडा हो जाएगा, दूसरा काम ये पेपर मेल्ट हो जाएगा। तो थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देते हैं ठंडा करने के लिए। कुछ समय बाद ये ठंडा हो चुका है एंड पेपर भी थोड़ा मेल्ट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो पेपर मेल्ट हो गया है। इसके बाद पेपर को हाथ से धीरे धीरे पीसीबी से निकालना होगा। इसको बहुत सावधानी से करना होगा, जल्दी करोगे तो ये सब खराब हो सकता है। अगर आप पेपर को किसी भी साइड से उठाने की कोशिश करोगे तो तब भी ये खराब हो सकता है। तो आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप ऐसे ही कीजिए। तो आप देख सकते हो पीसीबी बोर्ड में इंक कितनी अच्छी तरीके से चिपक गया है। फिर भी कोई छूट जाता है तो नॉर्मल मार्कर पेन से उसको ड्रॉ कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टोनर ट्रांसफर प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद आता है इचिंग प्रोसेस। तो आप इस प्रोसेस को भी अच्छे से समझ लीजिए। इस प्रोसेस करने से पहले सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट पहन लीजिए। ये जो आपको लिक्विड दिख रहा है ये है नॉर्मल वाटर एंड फेरिक क्लोराइड का मिक्सचर लिक्विड। ये फेरिक क्लोराइड डस्ट के फॉर्म में मिलता है। फेरिक क्लोराइड का डस्ट को वाटर में मिला के इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये फेरिक क्लोराइड आपको आसानी से ऑनलाइन में मिल जाएगा, आप इसे ऑनलाइन से भी खरीद सकते हो एंड आप इसको रीयूज भी कर सकते हो। मतलब इस फेरिक क्लोराइड वाटर को मिक्स करके आप जो लिक्विड बनाया उस लिक्विड से आप एक पीसीबी बोर्ड बना लिया एंड जो लिक्विड बचा उस लिक्विड को आप किसी भी प्लास्टिक या ग्लास में स्टोर करके रख सकते हो एंड बाद में उस लिक्विड को आप फिर से यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो आप लिक्विड दिख रहा है ये एक बार यूज हो चुका है एंड मेरे पास अभी फेरिक क्लोराइड खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। एंड और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप याद करके रखिए, इस लिक्विड को आप मेटल पे नहीं रख सकते हो क्योंकि मेटल पे ये रिएक्ट करता है। एंड आप देख सकते हो इस लिक्विड को मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे एक मेरा खराब मार्कर पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप यहाँ पे भी कोई भी मेटल का इस चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी ये रिएक्ट करेगा। पीसीबी बोर्ड को इस लिक्विड पे रखने से सर्किट को छोड़ के बाकी जो कॉपर का ट्रेसेस है वो मेल्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप वेट कीजिए और इसे ऐसे मिक्स करते रहिए। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे कॉपर मेल्ट हो रहा है।
सभी एक्स्ट्रा कॉपर मेल्ट होने के बाद बोर्ड को फ्रेश वाटर में धोना पड़ेगा। बोर्ड को वॉश करने के बाद यहाँ पे जो ब्लैक इंक है इसको रिमूव करना होगा। मैं यहाँ पे पीसीबी क्लीनर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको थिनर भी कहा जाता है। आप चाहो तो पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसे क्लीन करने के लिए। तो आप देख सकते हो ये प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो पीसीबी बोर्ड कितनी अच्छी से बन गया है। अब कंपोनेंट को सोल्डर करने के लिए पीसीबी में ड्रिल करना होगा। लेकिन सभी डील करने से पहले टॉप सील क्लियर को इस पीसीबी बोर्ड के साथ चिपका लेते हैं। लेकिन ये बहुत ट्रिकी काम है क्योंकि इसे बहुत अच्छे से करना होगा, नहीं तो पीसीबी के साथ टॉप सील क्लियर का ड्रिल होल नहीं मैच करेगा। तो चलिए अब इसे ड्रिल कर लेते हैं। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ एंड ड्रिल कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। तो आप देख सकते हो यह हो चुका है कंप्लीट। अरे कितनी अच्छे से दिख रहा है। आज यही तक रहने देता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है। पार्ट टू में इसका आगे का जो काम है सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, इसका कनेक्शन कंपोनेंट सब कुछ दिखाऊंगा। तो वीडियो तुरंत देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं पार्ट टू में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।